पुतले के पास खड़ा होकर अपने पति से फोन पर बात कर रही थी। तभी ये नकली पुतला बना लड़का चुपके से इसके हेलमेट के ऊपर धूप अगरबत्ती जलाकर रख देता है और लड़की अपने पति से फोन पर कहती है, तुमको आना है तो आओ, नहीं तो मैं जा रही हूँ, बाद में टैक्सी पकड़कर घर आना, बोलकर यहाँ से जाने लगती है। लेकिन इसको पता नहीं था कि इसके माथे पर धूप बत्ती जल रहा है। उसके बाद लड़की उस धूप बत्ती को अपने माथे पर लिए अपने घर आ जाती है और अपने बेडरूम में जाकर हेलमेट निकालती है। तब इसको वह धूप बत्ती नजर पर जाता है, जिसे देखकर यह कुछ समझती कि ये क्या है और किसने मेरे हेलमेट पर रखा की। तभी इसको उस धूप बत्ती की धुएं को सुंध कर चक्कर आने लगता है, जिससे बेहोश होकर यह तुरंत अपने बेड पर गिर जाती है कि तभी वह पुतला बना लड़का और उसका साथी इसके पीछे पीछे चुपके से घर में चला आता है। दरअसल यह दोनों ही मिलकर उस धूप अगरबत्ती में बदोशी की डब्बा मिलाया हुआ था। तो फिर आगे जो हुआ उसे जरूर देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना। लेकिन उससे पहले दोनों, इसके लिए आप लोग लड़कियों की फोटो को तो भर भर के लाइक करते हो, आज देखते हैं हमारे श्याम के लिए कौन कौन एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री श्याम लिखता है। दोनों इसके घर में चोरी करके भाग रहा था कि तभी लड़की की पुलिस वाला पति दोनों को देख